वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल से मुझे बहुत ज्यादा टेक्स्ट आए, कल से बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे फोन भी किया, मैसेज भी की, तो मैं बहुत ही इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग आई कैन बिलीव आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो। आज का जो टॉपिक है यहाँ पे मैं कोई सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि आपको अभी मोटिवेशन की जरूरत है। आपको राइट नो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आपको समझना है इस जो ये आपको कंफ्यूजन हुआ है आप क्या करोगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके जो आपका डेट शीट आया कल, जो आपका कैलेंडर आया कल, उसमें लिखा है 15th of Feb, नीचे लिखा है ऑनवर्ड्स। सो बी पॉजिटिव, 15th of Feb को एग्जाम नहीं होंगे, तकरीबन हो भी सकते लेकिन नहीं होंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ मार्च में हो सकते, तो आप एक्सपेक्टेड ये कर लीजिए 2 महीने है आपके पास, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ 2 महीने बहुत ही कम टाइम है। लेकिन आप क्या करोगे, हथियार छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे, यू डोंट हैव टू डू दैट। आज मैं यही बताने जा रहा हूँ, हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 2 महीने, 2 महीनों में आप क्या करोगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है राइट नो, जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया है, जो डिसिपरेट आप हुए हो कल से, जो परेशान हुए हो आप कल से, उसको छोड़ो, जस्ट लीव दैट थिंग, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। मुझे ये भी पता है आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, अभी आप कह रहे हो यार अब नहीं होगा हमसे, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप तो टाइम जाया कर रहे हो ना किताबों को हटा के। कल से आपने एटलीस्ट ये पॉलिटी की के 2-4 pages, हिस्ट्री के 2-4 pages, कंप्यूटर के 2-4 pages, इकोनॉमी के 2-4 pages ये पढ़ लिए तो होंगे ना। यू आप बात समझ रहे हो ना। देखिए अभी आपको बहुत सारे लोग कह रहे, मैंने कल से वीडियोस भी देख रहे, नहीं होगा कुछ कह रहे, ये करो वो करो, ये जो सब आपको कह रहे हैं ना, ये करो वो करो, इससे कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट थिंग इज अपने आप अपने दिमाग में जो आपके दिमाग में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है उसको रिमूव करो, जस्ट रिमूव योर कंफ्यूजन, जस्ट टेल योर माइंड, जस्ट टेल योर सेल्फ यस यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो। एंड अब आप कहोगे सर आपने भी संदीप मिश्रा की तरह मोटिवेशन स्टार्ट ही ये कर दी, आप अब मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। देखिए मेरा काम क्या है, मैं आपको मोटिवेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, आपने कभी देखा है आप आपके फर्स्ट ईयर में, आपके 12th में आपके किसी सब्जेक्ट का एग्जाम था, आपने कुछ भी नहीं ये पढ़ा था, आपके पास 2 दिन होते थे, 2 दिन में आप उस वो जो आप पे वो फोर्स होता था, वो जो आप पे वो प्रेशर होता था, इतना ज्यादा काम किया है आपने, आपको पता है अगर मैंने नहीं किया मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, आपने देखा है आपने कितना पढ़ा है उस प्रेशर में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू, जस्ट स्टार्ट ही प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। अगर आप अभी वेस्ट करेंगे टाइम तो आप नहीं कर पाओगे क्वालिफाई एग्जाम। व्हाट आई एम सेइंग, रिमूव दिस ये कंफ्यूजन, दिस फर्स्ट थिंग, बी पॉजिटिव। एग्जाम चलो हो भी सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ चांसेस है एग्जाम 15 को नहीं होगा, एग्जाम मार्च के बाद ही होगा, क्योंकि आपको क्लाइमेटिक कंडीशन पता ही है कश्मीर के, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। सो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने की। अब सर क्या पढ़े, अभी तो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ने में ही महीना लगेगा। देखो कल मैंने एक कोड बताया था, जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, इसका क्या मतलब है। देखो हियर मैंने कल भी कहा था पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो पेपर है, जो लास्ट ईयर पेपर आया था, ये है आपके पास पेपर, ये मैं अभी जो मैंने बनाया है टेलीग्राम पे ग्रुप, वहां भी डालूंगा, व्हाट्सएप पे भी एक ये ग्रुप है, उसकी लिंक भी मैं दूंगा, वो भी ज्वाइन करना, वहां पे भी ये पेपर होगा और मैं एक एनालिसिस भी इस पेपर की डालूंगा। सर आप हमें ये पेपर क्यों दिखा रहे हो, मैं आपको इसीलिए पेपर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ चीजें। देखो ये जो पूरा पेपर है, अगर आप में बहुत सारे लड़के जिन्हें जो 2 साल से पढ़ रहे फिर भी ये सारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारा भी एग्जाम हुआ था किसी को 100 में से 100 नहीं आए थे, सबको सब नहीं आता। आप में से देखो 1200 बहुत ज्यादा सीट से आपका कट ऑफ, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कट ऑफ ज्यादा नहीं होगा, जब 1200 सीट से कट ऑफ तो नीचे आएगा ही, नीचे कहाँ आएगा, आप काउंट कर लो, आपकी जियोग्राफी, आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी, आपकी इकोनॉमी, जितने भी सेक्शंस है आप ये ले लो एक में, आप अपने हिसाब
तो आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो, आप कहाँ से सर करें प्रिपरेशन। मैं अभी कहता हूँ आपको, अभी चूंकि कम टाइम है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जो आपका पेपर है, अगर 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यहाँ पे आपका सिलेबस रखा हूँ 120 ये क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट यह करता हूँ अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो 100 आएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं भी ये पढ़ोगे, आप लोकल ये बुक्स ये पढ़ोगे, 60 तो आएंगे ही ना, आपको 60 तो कर पाओगे ना। लेकिन कुछ तो पता होगा ना हिस्ट्री में। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपको 0 आएगा। अगर आपको कुछ पता है, 60 तो आएंगे ना, 70 तो एटलीस्ट आएंगे ना आपके पेपर में, तो क्या करोगे? हाउ विल यू, व्हाट आई एम सेइंग, देखो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। और आपके पास ये एक जनरल नॉलेज की बुक पड़ी हुई है मनोहर पांडे के 2019 की। इसमें जो टोटल पेजेस है, इसके जो टोटल पेज, इट्स 559 टोटल। अगर आप सारा का सारा पढ़ लोगे, देखो ना आपको सारा नहीं पढ़ना है, इस पे जो करंट अफेयर्स है वो मैं बताऊंगा कहाँ से आप पढ़ोगे। जितना मैं कह रहा हूँ कि सारा सिलेबस इससे नहीं निकलेगा, इंग्लिश इससे आपका नहीं निकल रहा है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह नहीं निकल रही है, बहुत सारे चीजें जो यहाँ से नहीं निकलेंगी, आपका आपकी रीजनिंग वगैरह यहाँ से नहीं आएगी। लेकिन जो आपकी जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट से यहाँ से आएंगे। आज शाम को जाना, ये पेपर उठाना, ये पेपर जो आपको मैं दे रहा हूँ, और ये जो जनरल नॉलेज, या मैंने जो जनरल नॉलेज आपको बताई थी मनोहर पांडे की, जो 1000 रुपए में आती है, उसकी लिंक भी डालूंगा, ये पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना उसी जनरल नॉलेज से। और मैं आपको एश्योर्स करता हूँ, अगर इसमें 100 ये क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके भी दूंगा, दिखाऊंगा भी, दिखा भी सकता हूँ आपको, एटलीस्ट 60 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे आप इसी जनरल नॉलेज से, 60 ये क्वेश्चन इस पेपर में। देखो कहने का क्या मतलब है, अगर आप ये किताब ये पढ़ लेते हो राइट नो, क्योंकि अगर आप एक पोर्शन ये पढ़ते हो 70 पेजेस, अगर आप दिन भर ये पढ़ोगे, मैं कहता हूँ आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल ये एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो सारी एक दिन में, वहां से गूगल भी यूज करते हो, थोड़ा बहुत यूट्यूब भी यूज ये करते हो, एंशियंट हिस्ट्री आपको 25% रिटेन होता है। अगर आप नेक्स्ट डे फिर से एंशियंट पढ़ोगे, आपको 50% रिटेन होगा। अगर आप नेक्स्ट डे फिर से पढ़ रहे हो एंशियंट हिस्ट्री, देख में 4 दिनों में तो आपके दिमाग में 70% तो आएगा ना, यही ले लो 50 पेज पढ़ने में। क्योंकि इन किताबों में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज, एक फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इंडियन पॉलिटी में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन का क्या करना है आपके एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटी का आपको दिखाऊंगा, पॉलिटी का देखो, मैं एक क्वेश्चन पॉलिटी से आया है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन हुआ, 14, 21, 32, 44, अगर यहाँ से भी देखोगे आपको सीधा दिखेगा 32 में, इवन के जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 13, लेकिन आप यहाँ भी देखोगे आपके सेक्शन 32 में, रिट्स में भी ये ऐसे ही आप, मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे एक और सवाल आया है, दैट्स अबाउट ये इमरजेंसी, इस बुक में देख लेना आपको, मैं दिखाऊंगा अभी, आप देख लेना स्क्रीन पे 352, और यहाँ से मैं वो पेज भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, दोनों में देख पाओगे, दोनों में इसमें इसका भी आंसर मिलेगा। ऐसे ही आपका है यहाँ पे 31 जियोग्राफी से आया है, मनहास नेशनल पार्क, स्क्रीन पे देख लेना कहाँ है, इसमें फोटो भी मैं डाल दूंगा, स्क्रीन पे देख लेना आपको इसका भी आंसर मिलेगा। ऐसे ही आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआ है आपका एक क्वेश्चन आया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में, ऐसे ही पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, 5वां क्वेश्चन है बुद्धिस्ट काउंसिल, मैं आप देख लेना जो ये 5 क्वेश्चन, पेपर भी देख लेना, ये भी देख लेना। ऐसे ही आपका आया है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल, ये तो आपको आएगा ही, लेकिन यहाँ से भी दिखाऊंगा, लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ, यहाँ से भी दिखाऊंगा, यहाँ से भी देख लेना, मैकमोहन लाइन इज, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे देख लो, इसका आंसर भी देख लेना। यहाँ पे होम रूल मूवमेंट के बारे में, यहाँ भी सिख पेज भी दिखाऊंगा, स्क्रीन भी दिखाऊंगा। ऐसे ही आपका आया है फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आया है यहाँ पे जो मैं बताऊँ, वाइल्ड आ सेंचुरी कहाँ पे है,
यहाँ भी दिखाऊंगा, यहाँ भी देख लेना मेगास्थनीज कब विजिट हुआ था इंडिया, किसके दौर में, यहाँ भी दिखाऊंगा, यहाँ से भी देखना। ऐसे ही आपका आया था और चोरा चोरी इंसिडेंट के बारे में, इसमें भी मैं दिखाऊंगा, इसमें इसमें भी देख लेना ऊपर। ऐसे ही आपका आया है पार्क स्ट्रीट कहाँ पे, यहाँ से देख लेना पेज भी और ये भी स्क्रीन पे भी देख लेना, मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे जो आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मैं इस बुक से भी दिखाऊंगा। कहने का क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यू डोंट हैव टू स्टडी, मैं जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए स्क्रीन में भी देख लेना, लास्ट में भी एक दो चार मिनट का वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि इस बुक से निकल रहे या नहीं। व्हाट आई एम सेइंग राइट, इसने इस बुक में से आपको फैक्ट दिखाए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ से भी मिलेंगे। अब क्या फायदा है आप स्टैंडर्ड बुक या उठाओगे, ये है आप, आपकी लक्ष्मी का ये देखिए पेज कितने, जो आप में नए आए फ्रेशर्स आए इनको तो अभी मुझे लगता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने में ये 15 दिन लगेंगे। कितने क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, लेकिन वो वहां से भी निकल रहे हैं ना आपको। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं दिखाऊंगा आपको, आपके इस ये जो मैंने बुक दिखाई यहाँ से भी निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिंदुस्तान, ये 80 क्वेश्चन नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, इनके साथ कौन एसोसिएट था, मैं अभी वो पेज भी डालूंगा, ये क्वेश्चन भी डालूंगा, देख लेना आप। ऐसे लार्जर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया क्या है, यहाँ से भी दिखाऊंगा। ऐसे मैं दिखाऊंगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, वहां से भी दिखाऊंगा। द ग्रासलैंड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज, यहां से भी ये क्वेश्चन दिखाऊंगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यहां से भी ये दिखाऊंगा। ऐसे ही आपको सेडिमेंटरी रॉक्स दिखे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंटरी रॉक, 78 क्वेश्चन नंबर है, मैं इसका जवाब इसी बुक से आपको दिखाऊंगा। व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप यही बुक ये पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इसीलिए कह रहा हूँ, ये आप 1.5 महीने में अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपके पास ऑनली 1.5 महीना, 1.5 महीने में आप इस बुक के 3 रिव्यूज़, क्योंकि 500 पेजेस है, दिन के 100 पेजेस दे दो, दिन के 50 पेजेस दे दो, अच्छे से पढ़ रहे हो 50 पेजेस दिन के, अच्छे से 2 बार रिवाइज करके 3 बार रिवाइज ये करके देखो आप कितने रिवाइज करोगे। मैं कहता हूँ मैंने इस जब मैंने टीचर का एग्जाम दिया था JKSSB में, उन दिनों मेरा PG कंप्लीट नहीं था, मैंने सिर्फ BA कंप्लीट किया था, मैंने 12th तक मेरा साइंस था, फिर BA मेरा BA था, मैंने टीचर के लिए यही एक बुक पढ़ी थी, मैंने बाकी भी पढ़ा था लेकिन ये उन दिनों मैंने पढ़ी। और मैंने ग्रेजुएट होके टीचर का जो JKSSB के टीचर का एग्जाम हुआ था, आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ, इसी बुक से मैंने क्वालिफाई किया। सो कहने का क्या मतलब है अभी इस टॉपिक में, मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे, देखो आप इससे नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास 6 महीने होते तो मैं कहता स्टैंडर्ड या बुक्स पढ़ो, तो राइट नो यू डोंट हैव द टाइम तो रीड द स्टैंडर्ड बुक्स। अब मैं कुछ एसेंशियल थिंग्स बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, कंफ्यूजन को रिमूव करना, डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं रहना, आप क्वालिफाई हो जाओगे अगर आप आज से ही पढ़ना। मैंने जो 1 महीने पहले स्ट्रेटजी वाला वीडियो दिया था उस दिन भी मैंने कहा था ये टाइम जाया मत करो, पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको कंफ्यूजन है आप दिन के 5 ही पेज पढ़ दे, मैं आपको वादा करता हूँ उन 5 पेज में कल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, देखो अगर किसी ने 5 दिन जाया कर दिए, कल से 2 दिन, अगर वो 10 ही पेज ये पढ़ता था एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट के, तो उसने तो मैं कहता हूँ 10 10 हो गए 20 20 पेज तो पढ़े होंगे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कंफ्यूजन दिमाग में मत रखो। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास टाइम कम है, आपने अपने नोट्स बनाए, नोट्स रिवाइज करो, दिन में 3 सब्जेक्ट्स उठा, मैं अभी भी कह रहा हूँ दिन के 3 सब्जेक्ट्स पढ़ो। एक तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी उठा, पॉलिटी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस, जितने जो भी 3, अगर आप हिस्ट्री में, अगर आप फॉर एग्जांपल आप काम करो कि हिस्ट्री के 10 पेजेस पढ़ो, कोई एक बुक ले लो, या तो बड़ी वाली जनरल स्टडीज या तो ये वाली बुक ले लो, हिस्ट्री के 10 पेजेस पढ़ो, पॉलिटी के 10 पेजेस पढ़ो, ज्योग्राफी के 10 पेजेस पढ़ो। अब आप बताओ कि सर 10 पेजेस कैसे ये पढ़े, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पढ़ोगे ये बुक या कोई और बुक। ये आपकी जियोग्राफी रही,
देखो इससे पहले लिखा है वर्ल्ड जियोग्राफी क्या हो, जियोग्राफी ये कभी आपको पूछेंगे नहीं, थोड़ा देख लेना, उसके बाद यूनिवर्स पूछेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस पेज में, लेकिन ये कैसे पढ़ने, इनमें आप पढ़ रहे द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉस्मोलॉजी, द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, ये आपको समझ, थोड़ा देखो यहाँ पे आवर गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे, आप गूगल में जाओ, गूगल में मिल्की वे दो, मिल्की वे देखो, ये मिल्की वे हो क्या, उसकी इमेज दिमाग में डालोगे, जितनी आपकी दिमाग में इमेजेस रहेगी उतना आप ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे थिंग्स को। ऐसे ही देखो केपलर ने क्या किया, फिर थोड़ा बहुत वहां गूगल करो केपलर ने, वो आता है वो जो पेजेस आते हैं वो छोटे से, अगर कुछ है यहाँ पे लिख के रखो या किसी पेज पे लिखो, इससे अटैच करो, क्योंकि आपकी यही एक रिसोर्स बुक बन जाए। दस पेजेस पढ़ो लेकिन उनमें चार घंटे दो, साढ़े चार घंटे दो, पांच घंटे दो, दस दिन के तीस पेजेस हो गए। अगर आप जियोग्राफी के दिन के दस पेजेस पढ़ते हो, आप यूनिवर्स ये पढ़ोगे, आपने यूनिवर्स भी सारा पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया अर्थ भी, आप अर्थ की रोटेशन भी पढ़ोगे, रिवॉल्वेशन भी ये पढ़ोगे, आप लेटीट्यूड्स भी ये पढ़ोगे, आप लॉन्गिट्यूड्स भी ये पढ़ोगे। जरा यहाँ दो, दस पेजेस में आपका कितना आता है, आपने साथ ही क्या पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, रिवॉल्वेशन पढ़ा, आप सोलस्टाइज भी ये पढ़ोगे, इक्विनॉक्स भी पढ़ोगे, लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, इनको थोड़ा यूट्यूब से भी देखना चाहो तो वहां से भी देखो, अच्छे से समझो। और दूसरे दिन क्या, क्योंकि आपको ये दस पेजेस समझ आ गए, यहाँ से भी दस पढ़ लिए, यहाँ से भी दस पढ़ लिए, यहाँ से भी दस पढ़ लिए, सेकंड डे क्या करो, इन टेन पेजेस को रिवाइज करो, क्योंकि आपने ये समझे, और टेन उठाओ शाम के वक्त जब आप आठ बजते, आठ से लेके दस तक जो आपकी रीजनिंग वगैरह है, मैं आपका सिलेबस देखता हूँ, जो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी वहां पे टाइम, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता ज्यादा, या उस पे टाइम दे दो। ऐसे आप देखोगे 10 20 30 तीन दिन में कितने हो गए, 3 × 3 दिन 303 पेजेस। अगर कोई 10 नहीं पढ़ पाएगा, 5 ही, लेकिन थोड़ा बहुत डेप्थ से पढ़ो, अंडरस्टैंड ये करके पढ़ो, 3 आप देखना 15 दिनों में आप 3 सेक्शन इससे कवर करोगे, और यूट्यूब से देख देख के, साथ ही साथ इनके ये क्वेश्चन भी करो, MCQs। बात समझ आ रही है ना, मैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना, साथ साथ यही पढ़ो, एटलीस्ट कल आपके एग्जाम में आपको 60 ये क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप पॉलिटी कितना भी पढ़ रहे हो, आपने सपोज आपने 45 डेज में सारी ये पॉलिटी पढ़ ली, अब ये पंद्रह में से आपने किए भी 10 क्वेश्चन, आपने वही बंदा अच्छा है ना जिसने सारे पढ़े सारे पोर्शन में, उसने 5 क्वेश्चन, सपोज आपके 10 पोर्शन 10×5=50, अब इंटेलिजेंट ये है या इंटेलिजेंट ये है, इंटेलिजेंट होना अलग बात है, लेकिन स्ट्रेटजिस्ट ये है, हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी में यही फर्क है ना, हार्ड स्टडी आपने आपको मार रहे हो, ये बंदा इसने सारों में से, इसको कहते हैं जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज इम्पोर्टेंट, दिस सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग आप हाउ टू स्टडी। बात समझा, मैंने आपको समझाया अभी, ऐसे ही आप अगर ये पॉलिटी की बात कर रहे हो, मैं यहाँ से पॉलिटी का पोर्शन निकालता हूँ, इसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, थोड़ा देख लो वहां से भी, 1 2 3 4 5 सपोज आपने 5 ही पेजेस पढ़े, 4 ही पेजेस, दूसरे दिन आपने मेकिंग, आप देख लेना इसमें से जितने भी ये क्वेश्चंस आए, अगर 15 क्वेश्चंस पॉलिटी के आए थे देख लेना, कल मैं दिखा भी दूंगा, 10 आपको डायरेक्टली इस बुक से निकलते हैं। तो आपके पास जितने भी SSB के पेपर है उनमें से देखो, यहाँ से ही निकल रहे है ना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना, स्टैंडर्ड बुक की पढ़ के एक ही बुक की पढ़ पाओगे ना, दिस इज सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज यू गेट द डिस्ट्रैक्टर्स। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे जनाब नहीं होगा, आप मैं अभी भी कहता हूँ डिस्ट्रैक्टर जितने भी है उनसे दूर रहो, जस्ट रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ, डोंट अपना आपका जो फेसबुक वगैरह एटसेट्रा है उनको ये बंद रखे, सोशल मीडिया से दूर रखे। और ये जो दिन है, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आपको जॉब मिलता है दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, जॉब के लिए पढ़ो, 2 महीने अच्छे से दे दो, 2 महीनों के बाद आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे, रिटर्न के बाद फिजिकल आपका हो जाएगा, वहां भी मैं आपको टिप्स दूंगा, आप क्वालिफाई कर पाओगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट
जितने भी YouTube में आपको गुमराह कर रहे, वो धोखा दे रहे, हम अपने नोट्स देंगे आपको, उससे कोई जादू होगा? किसी के नोट्स से कोई भी जादू नहीं होने वाला। जादू सिर्फ आपकी पढ़ाई से होगा, आपकी स्ट्रेटजी से होगा, आपकी स्ट्रेटजी से होगा, जो आपकी स्ट्रेटजी है ये उससे होगा। ये इम्पोर्टेंट थिंग है। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अपने ये हेल्थ का भी साथ साथ ख्याल रखना, क्योंकि अगर कोई बंदा